साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए हुआ शंखनाद और पहली बाजी मारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता ने। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चंद दिन पहले बेरी की कार्यकर्ता मीटिंग के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी ने, माफ़ी चाहूँगा, रघुवीर कादान जी का नाम लेकर के ये बात कही कि डॉक्टर साहब को मेरे से भी ज़्यादा वोट दे करके जिता करके विधानसभा के अंदर भेजना। हालांकि उसके ऊपर सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग प्रकार की बातें चल रही हैं। और दूसरा इशारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया, कुलदीप शर्मा जो पूर्व स्पीकर हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के रहे हैं, उनके बारे में कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम चाहोगे तो भी नहीं छोड़ूंगा और आपकी हमें विधानसभा के अंदर आवश्यकता है। तो एक सीधा सा संकेत ये था कि कुलदीप शर्मा या उनके बेटे चाणक्य को कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में विधानसभा में उतारेगी। लेकिन उसके अलावा एक हरियाणा प्रदेश की पुरानी पार्टी चौधरी देवीलाल जी ने जिस पार्टी का निर्माण किया, ओम प्रकाश चौटाला जी ने उस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, परिवार में फूट हुई, किस प्रकार से पार्टी हाशिए पर आ गई और आज उस पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने हाल ही में कुरुक्षेत्र लोकसभा से मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और काफ़ी कम वोटें उन्होंने पाई, लेकिन उन्होंने आज हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों विधानसभा चुनाव के लिए अपना बिगुल फूंक दिया। उन्होंने 5 टिकटों का ऐलान किया है। उन्होंने स्वयं कहा कि एलनाबाद से मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा। आज भी वर्तमान में वो एलनाबाद से विधायक हैं। कुछ और नेताओं का नाम उन्होंने जिक्र किया। एलनाबाद की जहाँ तक अगर हम बात करें तो 2019 के जनरल चुनाव के अंदर वो विधानसभा के लिए चुनाव जीत करके आए थे, लेकिन जब किसान आंदोलन चला था तो उस किसान आंदोलन के अंदर साथियों किसानों के हक में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और उस बाई इलेक्शन के अंदर भी अभय सिंह चौटाला जी वो चुनाव जीत करके आए थे। तो एलनाबाद सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए एक मजबूत गढ़ माना जाता रहा है अभी तक। दूसरी पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस से वहाँ कौन होंगे और बीजेपी से वहाँ कौन होंगे, वो अलग अलग प्रयास हैं, कभी बाद में चर्चा करेंगे। और दूसरे प्रत्याशी का जो उन्होंने ऐलान किया साथियों, वो ऐलान किया यमुनानगर से। यमुनानगर एक ऐसी विधानसभा जहाँ से पूर्व MLA चौधरी दिलबाग सिंह जी, जो इनके रिश्ते में समधी लगते हैं अभय सिंह चौटाला जी के, जिसके ऊपर पीछे कई एजेंसियों द्वारा रेड भी मारी गई थी, काफ़ी सुर्खियों में वो हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर रहे थे, पूर्व विधायक रहे हैं दिलबाग सिंह जी। अगर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को हम देखें और 2019 के अंदर भी वो इंडियन नेशनल लोकदल के निशान पर वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो साथियों करीब 65,000-66,000 वोट पाने में वो सफल रहे थे और मात्र 1400 कुछ वोटों के मामूली अंतर से, बहुत कम अंतर ये था, उससे दिलबाग सिंह जी चुनाव हार गए थे। मिला करके अगर यमुनानगर में जो चुनाव होगा अभी, वहाँ भी भाजपा के और कांग्रेस के प्रत्याशी साथियों तय नहीं हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से मान करके चल रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो प्रत्याशी दिलबाग सिंह जी के रूप में वहाँ चुनाव लड़ेंगे, वो कम से कम कड़ी टक्कर देने का मादा तो रखते ही हैं। और तीसरी जो सीट है साथियों, वो रादौर की सीट है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कहें या अभय सिंह चौटाला जी जो उनके प्रधान महासचिव हैं, उन्होंने वहाँ ऐलान किया है कि XML श्याम सिंह राणा, श्याम सिंह राणा भी अपने इलाके के अंदर एक मजबूत छवि रखते हैं, एक गहरी पैठ कार्यकर्ताओं के अंदर वोटर्स के बीच में उनकी है, लेकिन ये तो भविष्य ही बताएगा कि उनके मुकाबले कौन कौन प्रत्याशी आएंगे और चुनाव परिणाम यानी कि जनता या वोटर किसको अपना आशीर्वाद देते हैं।
चौथे जो हल्का साथी वो बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पार्टी प्रत्याशी के नाम का तो ऐलान साथियों नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि बहादुरगढ़ से नफे सिंह राठी जी का परिवार चुनाव मैदान में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से होगा। हो सकता है कि नफे सिंह राठी जी की पत्नी हो, या उनके लड़के हों, या उनके भतीजे हों, या उनके भतीजे की पुत्रवधू हों, लेकिन इतना जरूर उन्होंने इंगित किया, इशारा कन्फर्म कर दिया है कि नफे सिंह राठी परिवार जिस भी परिवार के सदस्य को चुनाव लड़वाना चाहेगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसी को चुनाव मैदान में उतार देगी। और पांचवें जो प्रत्याशी का साथियों जो ऐलान किया है, वो ऐलान किया है महेंद्रगढ़ सीट से। महेंद्रगढ़ सीट साथियों आज वो कांग्रेस के वहाँ पे MLA विधायक राव दान सिंह जी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और करीब 40-42 हज़ार वोटों के एक थोड़ा अंतर ही हम उसको कह सकते हैं लोकसभा के लिए वो चुनाव हार गए थे। और वो सुरेंद्र कौशिक जी का नाम आया है। सुरेंद्र कौशिक जी के बारे में ज़्यादा उनकी राजनीतिक रूप से जानकारी साथियों हमारे पास फिलहाल नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि एक दो दिन के अंदर ही पूरी डिटेल भी मैं उनके बारे में प्राप्त करूं, जानकारी हासिल करूं, उनके बारे में विस्तृत रूप से मैं तब आपको बता पाऊंगा। लेकिन इस वीडियो बनाने का प्रमुख जो हमारा उद्देश्य था साथियों, ये था कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने दो उम्मीदवारों की तरफ पीछे कुछ चंद दिनों के अंदर इशारा किया था, हालांकि बहुत से उम्मीदवारों का ये भी कांग्रेस का कन्फर्म है कि कौन प्रत्याशी कहाँ से चुनाव मैदान में होगा, लेकिन आधिकारिक रूप से तो घोषणा किसी भी प्रत्याशी की नहीं हुई है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने पत्ते जरूर खोल दिए हैं। और पांच विधानसभा सीट जो 90 विधानसभा सीट हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा की कुल हैं, उनमें से अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान उन्होंने तकरीबन कर ही दिया है। और चुनाव मैदान में जब ये प्रत्याशी जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी कौन आएगा, भारतीय जनता पार्टी से कौन आएंगे, आम आदमी पार्टी से कौन होंगे, निर्दलीय के रूप में कौन होंगे, और जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी, वो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने के अंदर तो कम से कम करीब बाजी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने साथियों मार ही ली है। और ताज़ा अपडेट जिस प्रकार से साथियों हमारे पास आती रहेंगी, हम आपको उनकी विस्तृत जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।